नेचर किस तरह से डेवलप होता है ये थोड़ा स्टडी करने की कोशिश की है. जैसे कि 12 राशियां हैं, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र हैं, ये हमारे माइंड के ऊपर क्या प्रभाव डालते हैं. इसलिए देखा जाए कि हमारे फैमिलीज के अंदर या हमारे फ्रेंड सर्किल के अंदर हम पर जो प्रभाव आता है वो आसपास के लोगों से ही आता है. हम किसी से प्रेरित होते हैं, किसी से दुखी होते हैं, है ना, या किसी की वजह से हम लोग डिप्रेस में चले जाते हैं. किसी की वजह से किसी का टेंशन, किसी का स्ट्रेस हम लोग कैरी करते 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 अपने लाइफ को डेवलप करते चले जाते हैं. तो ग्रह और ये नेचर, इनके बीच का जो रिलेशन है वो मैंने कहते कि आसमान से आने वाले सब रेज हमें डेवलप करते हैं, बल्कि हमारे शरीर के अंदर के जो तत्व है वो हम एक दूसरे को डेवलप करते चले जाते हैं. अगर किसी की मेष राशि है, किसी की वृषभ है, किसी की मिथुन है, किसी की कर्क है, तो इसके पीछे हर प्लैनेट का एक कैरेक्टर है. मेष के पीछे जैसे मंगल का है, वृषभ के पीछे जैसे शुक्र का है, तो शुक्र का कैरेक्टर क्या है कि बहुत ही फैंटेसी है, बहुत ही मनोरंजन कारक है. जैसे मंगल है तो बहुत ही फोर्सफुल है, अग्नि तत्व का कारक है, है ना, बहुत स्पीड होता है उनके जैसे बिहेवियर में. और कुछ कुंडलियां मैंने ऐसी स्टडी की है कि इनके ऊपर अगर गुड पोजिशन में प्लैनेट रहे तो ऐसे लोग हमारे आसपास रहकर हमें प्रेरित करते हैं. मतलब जैसे कि कोई अच्छे टीचर्स हैं, कोई अच्छे मार्गदर्शक हैं, जिनके कुंडलियों में रवि मंगल चंद्र या बुध शुक्र चंद्र या गुरु रवि चंद्र, इनका कॉम्बिनेशन होता है. गुरु ज्ञान का कारक है, चंद्र मानसिकता का कारक है, बुध आपके ब्रेन का कारक है, शुक्र संस्कार, सॉफ्ट नेचर का कारक है. इस तरह के अगर लोग हमारे आसपास रहें तो हमारे ऊपर उसका प्रभाव हमेशा अच्छा ही होता है. लेकिन कुछ बैड पोजीशन के जो प्लैनेट होते हैं, जैसे मंगल राहु एक साथ आना, मंगल यानी फायरी प्लैनेट है, राहु यानी वायु तत्व का प्लैनेट है, अगर आग और वायु एक साथ रखा जाए तो क्या होता है, उसका प्रभाव बढ़ जाता है. तो मंगल राहु जिसके कुंडली में एक साथ है, मून के साथ है, तो उसका नेचर कैसा होगा, या तो बहुत भड़कीला मजाज होगा, करेक्ट. आप अपने फ्रेंड सर्कल में ही देखो, इस तरह के कैरेक्टर्स आपको दिखाई देंगे कि जेलसी बहुत ज्यादा होती है, नुकसान करने का नेचर किसी का होता है कि नहीं मैं इसको छोड़ूंगा, नहीं मैं इसका नुकसान करके ही रहूंगा, या कोई आपके साथ धोखा भी कर देता है तो आप क्या सोचते, जाने दो ये मेरी किस्मत में था, मैंने उसको माफ कर दिया. क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ आपका मून कहीं ना कहीं शुक्र से जुड़ा होता है, कहीं ना कहीं गुरु तत्व से जुड़ा होता है. एक ब्रॉड माइंड होता है कि चलो ले लिया, एक स्ट्रांगनेस अंदर होता है कि मैं ये झेल सकता हूं, मैं इससे भी आगे आ सकता हूं. तो एक कुंडली मेरे पास ऐसे है कि जो एडवोकेट है हाई कोर्ट में, उसका वृषभ राशि है, कुंभ लग्न है, और कुंडली में शनि हर्षल बुध एक साथ है सप्तम स्थान में. सॉरी, शनि हर्षल और बुध सिंह राशि में है, यानी शत्रु राशि में, हाँ, सातवें घर में. अब सेवंथ हाउस यानी उसके पति का है, उसका पार्टनर. इनकी लव मैरिज हुई थी, लव मैरिज होने के बाद 2 साल के बाद उसको अपने पति का असली चेहरा या फिर उसकी असलियत उसके सामने आई. शनि का एक नेचर है कि वो हर चीज को छुपाने की कोशिश करता है, जल्दी एक्सपोज होने नहीं देता. फर्स्ट शनि हर्षल के साथ अगर है और बुध उससे जुड़ा है तो वो हमेशा झूठ बोलता है, सच्चाई सामने आने नहीं देता. सेकेंड, उसका गुरु जो है मिथुन राशि में है और मंगल की दृष्टि उसके ऊपर है. गुरु जिस तत्व में होता है, हम लोग कहते हैं जिस स्थान में होता है, उसका पोजीशन वो नष्ट करता है. पंचम स्थान यानी बुद्धि का स्थान. हाई कोर्ट एडवोकेट होने के बावजूद, हायर एजुकेशन स्टडी होने के बावजूद भी उसने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया. इमोशनल वेव में आके शादी होने के बाद उसे पता चला कि हम जिस पति के साथ रह रहे हैं वो घर भी उसका नहीं है, वो किराए से है, उसके पास कोई मतलब लाइबिलिटीज नहीं है, जो भी पेमेंट आता है वो 10,000 या 15,000 पर मंथ कमाता है और किसी तरह से घर का गुजारा चल रहा है. 2 साल के बाद उसे ये पता चलता है कि 2 साल में इसने अपनी प्रॉपर्टी पति के नाम पे ट्रांसफर कर दी थी. 35 लाख का फ्लैट इसने पति के नाम पे लिया कि धीरे धीरे ये पैसे मेरे पापा को चुकता करेगा, लेकिन उसने किया नहीं. सेकेंड, उसका जो फर्स्ट अफेयर था पति का, पहले वाला जिससे वो जुड़ा हुआ था, उसके साथ वो रिकंटिन्यू हो रहा था.
ये भी बात उसके सामने आ गई, तो ये दोनों बातों से उसका जो मेंटल पोजिशन था वो टोटली डाउन आ गया, डिप्रेस में चली गई कि पैसा भी गया, मेरा पति भी हाथ से गया और मैं फंस चुकी हूं। इतनी हायर एजुकेशन लेने के बावजूद भी क्यों ऐसा हुआ। उसके साथ साइकियाट्रिस्ट की ट्रीटमेंट चलती रही, उसके ऊपर बहुत गलत गलत इल्जाम लगाए गए। इस तरह की केस आने के बाद ऐसा क्यों हुआ। बचपन से तो कोई साइकिक पैदा नहीं होता, बचपन से तो कोई झूठ बोलने वाला पैदा नहीं होता, है ना। तो क्यों इस तरह से पोजिशन हुआ कि उसका पति जो आदमी बना था उसका बचपन किस तरह से गया। उसकी राशि मकर और राहु से जुड़ा हुआ मून, यानी हमेशा झूठ बोलने की आदत। ऐसे परिवार से जुड़ा था जहां पे रोज झगड़े चलते थे उस परिवार में, जहां पे हमेशा उसके पापा भी उसके मम्मी को टॉर्चर करते थे, झूठ बोलने की आदत थी, पापा को शराब पी के आते थे। इस माहौल में पैदा हुआ बच्चा, शादी से पहले देखी नहीं, ये नहीं, हम लोग बैकग्राउंड भी चेक करते ना। नहीं, लव मैरिज में तो सर आप बताइए कौन प्यार में पढ़ने से पहले भी कुंडली नहीं देखी जाती, शादी के लिए कहां। तो इस तरह का बैकग्राउंड होने के बावजूद उसके ऊपर इतने सारे जो संस्कार हैं वो जुड़े हुए थे, और इस सारे प्लैनेट को लेकर जब उसने इस लड़की के साथ एंटर दिया तो उसके प्लैनेट इस लड़की पे भारी हो गए, हावी हो गए। तो ये शादी डिस्टर्ब बन के रह गई। डिवोर्स हुआ 3 साल के अंदर, शादी होके 2 साल के बाद ये सारा तकरार हुआ, 3 साल में डिवोर्स हो गया, 5 साल में। और आज ये पोजीशन है कि इस औरत ने अपने आप को खत्म कर दिया, आफ्टर डिवोर्स सुसाइड। तो मुझे बताइए कि इसका आप क्या सोल्यूशन निकाल पाएंगे। हम एक दूसरे का नेचर तो चेंज नहीं कर सकते, तो किसी और का क्या चेंज कर सकते। एस्ट्रोलॉजी मैं सिर्फ गाइड करती हूँ, लेकिन मैं सोल्यूशन देना पसंद नहीं करती, क्योंकि हम किसी को सुधार ही नहीं सकते। ना स्टोन सुधार सकता है आपको, ना यंत्र सुधार सकता है, ना तंत्र सुधार सकता है। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि आप जिससे दोस्ती करते हैं, आप जिसके कनेक्शन में आते हैं, सिर्फ आप चेक करो कि वो किस तत्व का है, ताकि उसके तत्व आपके तत्व पे भारी ना हो। एस्ट्रोलॉजी का यही मीनिंग है कि लॉजिक, आप अपना लॉजिक इस्तेमाल करो। हम लोग अंधश्रद्धा में जाके एस्ट्रोलॉजी में ये होगा वो होगा, फैंटेसी में रह के जीना मुझे पसंद नहीं है, ना ही मैं किसी और को उस तरह से सजेशन दूंगी। तो एस्ट्रोलॉजी, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते समय आप सिर्फ इतना ही उसको पूछो कि मेरा तत्व क्या है, अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है, मुझे किस तत्व के लोगों से धोखा है, है ना। तो उस तत्व के लोगों की, अपने आसपास के लोगों की कुंडलियां आप जांच लो कि मुझे किसके साथ बिजनेस करना चाहिए, किसके साथ मुझे रिलेशन लाइफ लॉन्ग तक डेवलप करना चाहिए। ये सिर्फ तत्व मैच करने के बाद आगे बढ़ो, वरना आपकी जिंदगी खतरे से खाली नहीं होती। वैसे भी हर दिन हर पल हम लोग खतरे झेलते ही हैं, लेकिन इतना बड़ा खतरा नहीं कि जहां पे हमारी जान की कीमत हमें अदा करनी पड़ेगी, जिसके लिए हम कसूरवार नहीं है, है ना। और सेकंड कुंडली, जैसे हम लोग कहते हैं कि बहुत लालच, प्रॉपर्टी का लालच, पैसों का लालच, इसकी वजह से शादियां होती है आजकल, इसकी वजह से झूठ बोला जाता है। ये सिर्फ लड़के ही धोखा देते ऐसा नहीं, लड़कियां भी धोखा देती हैं जी। एक लड़का मेरे पास आया था जो पूना से है, फार्मासिस्ट, बहुत अच्छी फैमिली से, और उनके फैमिली में सारे डॉक्टर्स, हम लोग कहते कि हाई प्रोफाइल के सारे लोग थे, अच्छी फैमिली, कुंडली मैच करके शादी करा दी थी। जैसे ही शादी हुई, 1 साल के बाद लड़की का प्लानिंग स्टार्ट हुआ कि अपने पास 1 करोड़ की जायदाद है, तो हम लोग ऐसा करते कि 50 लाख की जायदाद हम अपने नाम से कर लेते हैं, फिर हम लोग बच्चे को जन्म देंगे। उसका पहला सवाल था कि मैं बच्चे को तब पैदा करूंगी जब मेरे नाम से 50 लाख की प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। वैसे भी शादी के बाद लड़के की हर प्रॉपर्टी अपने बीवी बच्चे के नाम पे ही होने वाली है। ये होने के बावजूद भी उसने टॉर्चर करना शुरू कर दिया, जब तक मेरे नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी मैं बच्चा होने नहीं दूंगी। ये झगड़ा यहां तक पहुंचा कि उसका जो 3 महीने का बच्चा उसके पेट में था, उसने जाके झगड़े में जाके अबॉर्ट कर दिया। उतना होने के बावजूद भी वो लड़का बहुत कॉम्प्रोमाइज करता रहा कि ठीक है, ये मैं अभी मैं अपने माँ पिता से बोलूंगा कि मुझे 50 लाख की प्रॉपर्टी मेरी बीवी के नाम पे ट्रांसफर करनी, तो वो क्या सोचेंगे। किसी भी लड़के के ऊपर ये बहुत भारी जिम्मेदारी होती कि लोगों को ये लगेगा अरे देखो शादी हो गई, ये अपना अपना हिस्सा मांग रहा है।
सुसंस्कारित बेटा था, उसने वो मना किया, उसने कहा कि चाहे तो तुम चली जाओ लेकिन मैं अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफर अभी नहीं कर सकता। उसने जाके कोर्ट में इसके नाम से केस कर दिया कि मुझे मेंटली टॉर्चर होता है, फिजिकली टॉर्चर बहुत होता है, मैं इससे डिवोर्स चाहती हूँ, तरह तरह के गलत गलत उसके ऊपर इल्जाम लगाए और कोर्ट में फाइल किया कि मुझे 70 लाख मेरे शारीरिक